मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आदिकाल जो है रचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं बनते हैं उससे संबंधित कुछ कंटेंट को हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि रासो रासो जो है रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित कुछ कंटेंट को देखेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न जो साहित्यकार हैं वो क्या बोले हैं, इस रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये है विद्वान और ये है मूल शब्द। तो ऐसे विद्वान जो रासो शब्द के लिए पहले वो जिस शब्द का इस्तेमाल किए थे वो इसको यहाँ पे हम बताने वाले हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की दृष्टि से इसको देखना बेहद ही जरूरी है। गाड़सा दताशी कहे हैं राजसूय, गाड़सा दताशी के द्वारा कहा गया है रासो शब्द के लिए राजसूय, राजसूय। आगे है हर प्रसाद शास्त्री एक विद्वान है, इनके द्वारा कहा गया है राजयश, राजयश। तो राजयश का मतलब क्या है, रासो शब्द। तो अगर पूछा जाए कि हर प्रसाद शास्त्री राजयश किस शब्द के लिए यूज किए हैं तो रासो शब्द के लिए। अगला है नरोत्तम स्वामी, तो नरोत्तम स्वामी द्वारा जो शब्द यूज किया गया है रासो के लिए तो रासक, नरोत्तम स्वामी रासक शब्द का प्रयोग किए हैं रासो शब्द के लिए। कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है रहस्य, किस शब्द का प्रयोग किए हैं ये कविराज श्यामल दास किस शब्द का प्रयोग किए हैं तो शब्द है रहस्य। आगे है काशी प्रसाद जायसवाल, एक विद्वान है एक साहित्यकार है काशी प्रसाद जायसवाल, ये भी शब्द जो यूज किए हैं रासों के लिए ये है रहस्य। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये है रसायण, ये रसायण शब्द यूज किए हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रसायण किसको कहा जाता है तो रासो को रसायण कहा जाता है। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी, तो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा जो शब्द यूज किया गया है रास शब्द यूज किया गया है, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा रासो शब्द के लिए रास शब्द का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द का प्रयोग किए हैं, हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा रासक शब्द का प्रयोग किया गया है रासक शब्द। आगे है राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा जो शब्द यूज किया गया है राउस या रस शब्द का प्रयोग किया गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रासो शब्द के लिए। आगे है दशरथ शर्मा, तो दशरथ शर्मा एक विद्वान है साहित्यकार है, इनके द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया है रासो के लिए ये है रासक शब्द का प्रयोग किए हैं। आगे है माता प्रसाद गुप्त, तो माता प्रसाद गुप्त रासक शब्द ये भी यूज किए हैं रासो शब्द के लिए। आगे है गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा जो यूज किया गया है रासक से बना रास और रास से बना रासा से बना रासु और रासु से बना रासो, जो हम यूज करते हैं रासो वो बना है रासक के बाद रास शब्द आया फिर रासा आया रासु आया फिर रासो, जो कि ये प्रचलन में रासो शब्द से प्रचलित हुआ। तो एक बार देख लेते हैं गाड़सा दत्तासी के द्वारा रासुई शब्द यूज किया गया, हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा राजयश शब्द का प्रयोग किया गया, नरोत्तम स्वामी के द्वारा रासक शब्द का प्रयोग किया गया, कविराज श्यामल दास के द्वारा रहस्य शब्द का प्रयोग किया गया, काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा रहस्य शब्द का प्रयोग किया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रसायण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रसायण शब्द का प्रयोग किया गया और आगे है नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा रास शब्द का प्रयोग किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रासक शब्द का प्रयोग किया गया, आगे है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा राउस या रस शब्द का प्रयोग किया गया, राम दशरथ शर्मा के द्वारा रासक शब्द का प्रयोग किया गया, माता प्रसाद गुप्त के द्वारा भी रासक शब्द का प्रयोग किया गया, और आगे है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा रासक रास रासा रासु और अंत में रासो शब्द यूज किया गया। तो ये रासो शब्द जो है
ये जो रासो शब्द है इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट थे जो विभिन्न विद्वानों द्वारा शब्दावलियां रासो के लिए यूज की गई हैं। ये पूछ देता है कि नाम के सहित क्या कौन से शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तो ये इससे संबंधित था। आगे एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, पृथ्वीराज रासो एक रचना है जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो एक रचना है जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है, और इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो को बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जो प्रमाणिक मानते हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं विद्वान हैं जो अप्रमाणिक मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे साहित्य या विद्वान हैं जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को, जिसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। तो देख लेते हैं कि प्रमाणित कौन कौन मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वालों में हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडा, कर्नल टाड। इतने विद्वान क्या मानते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं, कौन कौन? तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडा और कर्नल टाड। इतने विद्वान क्या मानते हैं पृथ्वीराज रासो जो एक रचना है उसको क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। तो अप्रमाणिक की कौन कौन मानते हैं, कौन ऐसे विद्वान और साहित्यकार हैं जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं? तो ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो मानते कौन है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद अप्रमाणिक मानते हैं, श्यामल दास अप्रमाणिक मानते हैं, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा भी इसे पृथ्वीराज रासो को जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया उसको क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। अगला जो है कि अर्ध प्रमाणिक, ये पृथ्वीराज रासो को जो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो कवि हैं विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? तो मुनिजन विजय द्वारा अर्ध प्रमाणिक माना गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भी इसे अर्ध प्रमाणिक माना गया है। सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा भी इसे अर्ध प्रमाणिक माना गया है, और दशरथ ओझा के द्वारा भी ये अप्रमाणित माना गया है, अर्ध प्रमाणित माना गया है। कौन सी रचना? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, प्रमाणित मानने वाले में श्याम सुंदर दास जी प्रमाणित माने हैं, मिश्र बंधु द्वारा प्रमाणित माना गया है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडा द्वारा प्रमाणित माना गया, कर्नल टाट द्वारा क्या माना गया है? प्रमाणित माना गया है। आगे है अप्रमाणित पृथ्वीराज रासो जो रचना है जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं, तो वो अप्रमाणित मानने वाले में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, देवी प्रसाद के द्वारा भी अप्रमाणित माना गया है, श्यामल दास के द्वारा भी अप्रमाणित माना गया है, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा के द्वारा भी अप्रमाणित माना गया है। आगे है अर्ध प्रमाणित, तो मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा के द्वारा जो है अर्ध प्रमाणित माना गया है। कौन सी रचना है ये? पृथ्वीराज रासो। ये सारे जो है ना ये प्रमाणित अर्ध प्रमाणित करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है और ये आसानी से आ जाएगा और क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। आगे है जो राम कुमार वर्मा द्वारा जो है नवनाथों के जो नाम बताए गए हैं उस पे हम जिक्र कर लेते हैं। राम कुमार वर्मा के नवनाथों के नाम या नवनाथ के नाम, तो राम कुमार वर्मा द्वारा जो नवनाथों को बताया गया है उनके नाम क्या क्या हैं? पहले जो है आदिनाथ, पहले कौन है आदिनाथ, दूसरे नंबर पे कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे नंबर पे है गोरखनाथ, चौथे नंबर पे है गाहिड़ीनाथ, पांचवें नंबर पे है चरपटनाथ, छठे नंबर पे है चौरंगीनाथ और सातवें नंबर पे है ज्वालेंद्रनाथ, आठवें नंबर पे है भरतनाथ, नौवें नंबर पे है गोपीचंदनाथ।
तो रामकुमार वर्मा के द्वारा जो नवनाथों के नाम का जिक्र किया गया है वो नाम है आदिनाथ, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा गोरखनाथ, चौथा गाहिड़ीनाथ, पांचवा है चरपटनाथ और छठा है चौरंगीनाथ, इसके बाद सातवां है ज्वालेंद्रनाथ और आठवां है भरतीनाथ और नौवां है गोपीचंदनाथ। तो ये नवनाथ हैं रामकुमार वर्मा के द्वारा। ये पृथ्वीराज रासों को प्रमाणित, अप्रमाणित, अर्ध प्रमाणित कौन कौन माने हैं विद्वान साहित्यकार, ये उनके बारे में है। और यहाँ पे है रासो शब्द कैसे उत्पत्ति हुई और उस उत्पत्ति के दौरान विभिन्न जो विद्वान हैं, विभिन्न जो साहित्यकार हैं, वो शुरुआत में रासों को किस नाम से संबोधित किए हैं, किस नाम से संबोधित करते हुए ये आगे जाके रासो शब्द से ये प्रचलन में आया है। तो इसके पहले कौन कौन से जो साहित्यकार हैं या विद्वान हैं वो रासो शब्द किस मूल शब्द से निकल के आया है, रासो शब्द बेसिकली ये कहने का मतलब है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो को क्या कहा है, तो रसायन कहे हैं। और इसी तरह से और भी सारी चीजें हैं कि गारसा दस्तासी क्या कहीं कहे हैं, तो राजसुई कहे हैं। हर प्रसाद शास्त्री राजयस कहे हैं, नरोत्तम दास रासक कहे हैं, कबीराज श्यामल दास रहस्य कहे हैं, काशी और प्रसाद जायसवाल रहस्य कहे हैं, ये भी दशरथ वर्मा क्या कहे हैं, रासक कहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है जो आदिकालीन साहित्य है। आदिकालीन साहित्य में जो मेन मेन साहित्य है जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो रासो में अब रासो शब्द मतलब कैसे स्टार्ट हुआ या कैसे इसको क्या कौन कौन कैसे बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें बेसिक से हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।